Welcome back my channel Brave in Therapy. I'm Neha and today we discuss about Corella bone. So जो last का video था उसमें हमने radius bone already discuss कर रखा है. यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो please जरूर देख लीजिएगा. Channel पर नया है तो please like और subscribe. Radius bone की हम link आपको description में दे देंगे. तो जो आला bone होती है वो basically होती क्या है, ये हमारी forearm bone की middle side की bone होती है. तो ये हमारी होगी forearm, इस side की जो middle side होती है, इस side की जो bone होती है उसे हम बोलते हैं आला bone. जो अल्ला बोन होती है वो होमोलोगस होती है हमारी फिबुला बोन के लोअर एक्सट्रीमिटीज में, एंड जो रेडियस बोन थी वो होमोलोगस थी टीबिया बोन के लोअर एक्सट्रीमिटीज में. सो जो फिबुला बोन है ये डिवाइड होते हैं थ्री पार्ट्स में, अपर एंड, लोअर एंड एंड साफ्ट. सो हम अब देखते हैं साइड डिटर्मिनेशन के बारे में. हम सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम फीचर्स देखेंगे, उसके बाद हम अटैचमेंट डिस्कस करेंगे. साइड डिटर्मिनेशन में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा. साइड डिटर्मिनेशन में हम जब भी कोई भी बोन को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसे, उसके अपर एंड लोअर एंड एंड उसके मिडल बॉर्डर लेटरल बॉर्डर को एग्जामिन करते हैं. तो ये होता है हमारा साइड डिटर्मिनेशन. तो हम जब भी अल्ला बोन को का साइड डिटर्मिनेशन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो सबसे पहले हम उसका अपर एंड देखेंगे. जो अपर एंड होता है एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर सपोज कर लेते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं हुक लाइक स्ट्रक्चर. एंड जो इसका हेड होता है वो वहाँ की जो सरफेस होती है वो कॉनकेव सरफेस होती है. जो आर्टिकुलेट होता है हमारी ह्यूमरस बोन की ट्रोकेलिया से, जहाँ से वो एल्बो जॉइंट फॉर्म करते हैं, हिन जॉइंट फॉर्म करते हैं, इससे कि एल्बो का मूवमेंट होता है. एंड जो अपर एंड होता है, जो हेड है, उसके पास टू प्रोसेसेस होती हैं, ऑलिक्रोनिड प्रोसेस एंड कोरोनोइड प्रोसेस, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड उसके बाद हमारे जो अल्ला बोन है उसके पास राउंडेड साफ्ट होती है, एंड लोअर एंड होता है वो भी राउंडेड होता है, स्मॉल होता है. तो ये हमारा जो साइड डिटर्मिनेशन अल्ला बोन का, उसमें हमने अपर एंड एंड लोअर एंड एंड साफ्ट के बारे में देखा. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीचर्स के बारे में. जो फीचर्स सेकंड पॉइंट में क्या होता है, फीचर्स डिवाइड होते हैं थ्री पार्ट्स में, अपर एंड, लोअर एंड एंड साफ्ट. तो जो अपर एंड होता है वो डिवाइड होता है हमारी टू प्रोसेस एंड टू नॉच. टू प्रोसेस होती है हमारी ऑलिक्रोनिड प्रोसेस फर्स्ट, एंड नेक्स्ट इज कोरोनोइड प्रोसेस, एंड टू नॉच होती है उसके पास रेडियल नॉच होती है एंड एक ट्रोकलियर नॉच होती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर अपर एंड ऑफ द अल्ला बोन. इट हैज टू प्रोसेस एंड टू नॉच. फर्स्ट इज ऑलिकॉन प्रोसेस एंड देन कोरोनोइड प्रोसेस एंड टू नॉच है रेडियल नॉच एंड ट्रोकलियर नॉच. जो ऑलिकॉन प्रोसेस होती है ये हमारी जो साफ्ट है अल्ला बोन की उसके जस्ट अपवर्ड होती है. जैसे कि ये हमारी अल्ला बोन है, इसका हेड ऑफ अल्ला बोन एंड दिस इज साफ्ट. तो साफ्ट के जस्ट अपवर्ड होता है ये हमारी ऑलिकॉन प्रोसेस हो गया. एंड कोरोनोइड प्रोसेस होती है एक क्रस्ट पे प्रेजेंट होती है जो हमारे फॉरवर्ड होती है साफ्ट से. तो ये हमारी साफ्ट है, इससे जो फॉरवर्ड है ये हमारी हो गई कोरोनोइड प्रोसेस. इस क्रो लाइक स्ट्रक्चर, क्रो बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं. एंड नेक्स्ट नॉच रेडियल नॉच. तो ये जो हमारी प्रेजेंट है ये रेडियल नॉच हो गई. एंड ट्रोकुलर नॉच इज प्रेजेंटेड ट्रोकुलर. कॉनकेव सरफेस जो होती है वो हमारी ट्रोकुलर नॉच होती है. तो ये तो हमारे अपर एंड के प्रोसेस एंड नॉच हो गए. उसके बाद हम सब देखते हैं ऑलिकॉन प्रोसेस की सरफेसेस के बारे में. सो ऑलिकॉन प्रोसेस हैज फाइव सरफेसेस. फर्स्ट इज एंटर सरफेस, पुपियर सरफेस, मिडल सरफेस, लेटर सरफेस एंड पोस्टियर सरफेस. तो हम देखते हैं सबसे पहले ये हमारी हो गई एंटर सरफेस, जो हमारे ट्रोकुलर नॉच के अपर पार्ट पर प्रेजेंट होती है. ये क्या थी हमारी ट्रोकुलर नॉच, तो इसकी जो अपर पार्ट हो गई ये हमारी हो गई एंटायर सरफेस ऑफ ऑलिकॉन प्रोसेस. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टियर सरफेस. जो पोस्टियर सरफेस होती है वो हमारी जो हेड ऑफ अल्ला बोन है उसके पोस्टियर ही प्रेजेंट होती है. तो इसके जस्ट जो पीछे वाली सरफेसेस हो गई वो हमारी ऑलिकॉन प्रोसेस की पोस्टियर सरफेस हो गई. उसके बाद जो मीडियल सरफेस देखते हैं, मीडियल सरफेस क्या होती है, डायरेक्टली इन्फीरियर ही आती है मीडियल सरफेस ऑफ द साफ्ट. जैसे कि ये जो हमारी सरफेस है ये मीडियल सरफेस है, ये डायरेक्टली साफ्ट की साइड आती है. एंड उसके
बाद हम देखते हैं लेटेंट सरफेस। जो लेटेंट सरफेस होती है वो भी डायरेक्टली साफ्ट की इनफेयरली आती है। जैसे कि साफ्ट का जो लेटेंट सरफेस हुई वही हमारी ओलिकॉन प्रोसेस की भी लेटेंट सरफेस होती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो बचती है वो है सुपीरियर सरफेस। जो सुपीरियर सरफेस होती है वो हमारे रफ ऑन एरिया होता है ओलिकॉन के जस्ट अबव होती है, रफ एरिया होता है, उसमें हम बोलते हैं सुपीरियर सरफेस। आई होप आपको ओलिकॉन प्रोसेस की सरफेसेस समझ आए होंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट फॉर कॉर्नोइड प्रोसेस। जो कॉर्नोइड प्रोसेस होती है जस्ट लाइक क्रो पीक स्ट्रक्चर, क्रो पीक तो कौवे की चोंच की तरह एंड डायरेक्टली डाउनवर्ड होती है ओलिकॉन प्रोसेस से एंड हमारे साफ्ट से फॉरवर्ड होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी थी ओलिकॉन प्रोसेस एंड ये जो है ये जो स्ट्रक्चर है क्रो पीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये है हमारा कॉर्नोइड प्रोसेस। एंड जो कॉर्नोइड प्रोसेस है डायरेक्टली डाउनवर्ड है टू द ओलिकॉन प्रोसेस एंड साफ्ट से डायरेक्टली फॉरवर्ड है, आप देख सकते हैं। तो ये कॉर्नोइड प्रोसेस जो होते हैं इधर से फोर सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं, सुपीरियर सरफेसेस एंड मिडल सरफेस, एंटर सरफेस एंड लेटर सरफेस। तो जो सुपीरियर सरफेस होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है वो देखते हैं। जो ये हमारी ट्रॉकुलर नॉच थी, ट्रॉकुलर नॉच की जो अपर पार्ट है ये लोअर पार्ट है। तो जो ट्रॉकुलर नॉच का जो लोअर पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉर्नोइड प्रोसेस की सुपीरियर सरफेस को। एंड एंटर सरफेस क्या होती है, एंटर सरफेस होते हैं डायरेक्टली ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म करता है अलर ट्यूबोसिटी को। तो अलर ट्यूबोसिटी इस स्ट्रक्चर में तो आपको यहाँ पे नहीं दिख सकता, अभी आगे हम आपको अलर ट्यूबोसिटी दिखाएंगे स्ट्रक्चर में। एंड मीडियल जो सरफेसेस होते हैं, मीडियल सरफेस क्या होते हैं, वो डायरेक्टली डाउनवर्ड होती है साफ्ट ऑफ द अलर बोन। एंड जो लेटर सरफेस होते हैं, लेटर सरफेस टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, अपर पार्ट्स एंड लोअर पार्ट्स। तो जो अपर पार्ट होता है अल्ला बोन का वो हमें शो करता है रेडियल लॉन्च का। जो रेडियल लॉन्च होती है जिससे कि हमारा जो हेड ऑफ रेडियस बोन होता है वो आर्टिकुलेट होता है, जो सुपीरियर रेडो अल्ला ज्वाइंट फॉर्म करता है। एंड जो लोअर पार्ट होता है लेटर सरफेसेस का वो फॉर्म करती है हमारी अल्ला रेडियल ट्यूबोसिटी को। तो ये हमारे कॉर्नोइड प्रोसेस की सरफेस थी, एंटर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड लेटर सरफेस। एंड जो हमारा सरफेस लेटर बॉर्डर होता है, लेटर साफ्ट का बहुत साफ होता है। ये तो ऑल अबाउट था ओलिकॉन प्रोसेस एंड कॉर्नोइड प्रोसेस का। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे नॉचेस के बारे में। तो दो टाइप की नॉचेस थी, ट्रॉकुलर नॉच एंड रेडियल नॉच। तो जो रेडियल नॉच प्रेजेंट होती है आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी रेडियल नॉच हो गई जहाँ पे हेड ऑफ द रेडियस बोन आर्टिकुलेट होता है एंड फॉर्म करता है सुपीरियर रेडियो अलर जॉइंट। एंड ट्रॉकुलर नॉच ये आप देख सकते हैं, ये हमारी ट्रॉकुलर नॉच है। ट्रॉकुलर नॉच जो होती है वो आर्टिकुलेट होती है ट्रॉकुलिया से डायरेक्टली टू द ह्यूमरस एंड फॉर्म करती है एल्बो जॉइंट को। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा अपर एंड के बारे में। अपर एंड में हमने ओलिकॉन प्रोसेस डिस्कस किया, कॉर्नोइड प्रोसेस डिस्कस किया एंड रेडियल नॉच डिस्कस किया एंड ट्रॉकुलर नॉच डिस्कस किया। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर सेकंड फीचर साफ्ट के बारे में हम देखते हैं। तो साफ्ट जो होती है राउंडेड होती है। सबसे पहले हमने जो अपर एंड में डिस्कस किया ये हमारा था ओलिकॉन प्रोसेस एंड ये हमारी जो दोनों है ये हमारी ट्रॉकुलर नॉच हो गई। एंड ये जो सरफेस है ये हमारी है कॉर्नोइड प्रोसेस एंड ये जो है ये हमारा रेडियल नॉच। तो ये तो हमने अपर एंड में डिस्कस किया था, अब हम साफ डिस्कस कर रहे हैं। तो साफ जो होते हैं राउंडेड होते हैं, इट हैज थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री सरफेसेस। तो सबसे पहले हम बॉर्डर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बॉर्डर्स और थ्री बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। ये हमारा जो हो गया ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ये लेटरल बॉर्डर हो गया और इसके जस्ट पीछे ये हमारा हो गया पोस्टियर सरफेसेस पे पोस्टियर बॉर्डर। तो हम सबसे पहले देखते हैं लेटरल बॉर्डर। जो लेटरल बॉर्डर होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रोसियस बॉर्डर। अब इसे इंट्रोसियस बॉर्डर क्यों बोलते हैं, जैसे कि हमने जो लास्ट के वीडियो रेडियस बोन में बताया था कि जो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन थी, इंट्रोसियस बॉर्डर था रेडियस बोन का वो मीडियली साइड था, बट जो हमारी अल्ला बोन है उसका इंट्रोसियस बॉर्डर है वो लेटरली साइड का है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ये हमारी फोर आर्म है, तो ये जो मीडियल साइड पार्ट हो गया तो यहाँ पे अल्ला बोन है, ये हमारा रेडियल साइड पार्ट हो गया लेटर साइड, तो यहाँ पे रेडियस बोन है।
तो जो अगला बोन है उसका जो लेटर पार्ट हुआ वो इस साइड होगा, और जो रेडियस बोन है उसका जो मिडिल पार्ट वो इस साइड होगा। तो इंट्रोसिस मैम्ब्रेन होती है वो रेडियस बोन और अगला बोन दोनों के बीच में होती है, इसलिए अगला बोन का लेटर बॉर्डर होता है और रेडियस बोन का मिडिल बॉर्डर होता है। तो जो लेटर बॉर्डर होता है अगला बोन का थिन होता है, शार्प होता है, एंड जो हमने रेडियस बोन का देखा था वो मिडिल बॉर्डर शार्प होता था। एंड ये हमारा है एंटर बॉर्डर, जो एंटर बॉर्डर है वो लाइज करता है, ये हमारी अलर ट्यूब्रोसिटी है। तो ये लाइज करता है मिडल साइड ऑफ अलर ट्यूब्रोसिटी टू टर्मिनेट करता है मिडल साइड ऑफ द सोलर प्लेक्सस। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टियर बॉर्डर के बारे में। तो जो पोस्टियर बॉर्डर होता है वो लाइज करता है हमारी जस्ट टू अपेक्स ऑफ द ओलिक्रोन प्रोसेस। तो ये हमारी ओलिक्रोन प्रोसेस है, तो ये इसकी अपेक्स से लाइज करता है, टर्मिनेट करता है बेस ऑफ द स्टेलॉइड प्रोसेस। तो ये ओवरऑल हमारे शाफ्ट के बॉर्डर्स थे, थ्री बॉर्डर्स, लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टियर बॉर्डर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेसेस के बारे में। थ्री टाइप्स ऑफ सरफेसेस, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड पोस्टियर सरफेस। नाउ डिस्कस अबाउट, एंड ये हमारे थ्री बॉर्डर्स थे, फर्स्ट इज एंटीरियर बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर एंड ये पोस्टियर बॉर्डर। हम सर्फेसिस देखते हैं, जो एंटीरियर सरफेस होती है वो लाइज करती है बिटवीन टू द एंटीरियर बॉर्डर टू द लेटरल बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर, ये हमारा लेटरल बॉर्डर। तो इन दोनों के बीच की जो सर्फेसिस हो गई ये लाइज करती है हमारी एंटीरियर सरफेस को। एंटीरियर सरफेस के पास एक न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, ये न्यूट्रिएंट आर्टरी मतलब न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट आर्टरी यहाँ से फॉर्म होता है और ये हमारे जो इंट्रोसिस मैम्ब्रेन की न्यूट्रिएंट आर्टरी को सप्लाई देती है। तो ये हमारा है न्यूट्रिएंट फोरामेन। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी सर्फेसिस है वो हमारी है मीडियल सर्फेस। तो मीडियल सर्फेस लाइज कहाँ करती है, मीडियल सर्फेस लाइज करती है एंटीरियर बॉर्डर टू द पोस्टियर बॉर्डर। इसके जस्ट पीछे क्या है, पोस्टियर बॉर्डर। तो इसके जो बीच की जो ये सर्फेसिस हो गई इसे हम बोलते हैं मीडियल सर्फेस। एंड देन लास्ट हम डिस्कस करते हैं पोस्टियर सर्फेस के बारे में। जो पोस्टियर सर्फेस होती है वो लाइज करती है जस्ट बिटवीन टू द पोस्टियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर और ये इंट्रोसिस बॉर्डर। तो ये हमारी हो गई पोस्टियर बॉर्डर। पोस्टियर बॉर्डर से ये क्या आएगा, लेटरल बॉर्डर की साइड। तो इस दोनों के बीच का जो सरफेसेस होता है उसे हम बोलते हैं पोस्टियर सरफेस। तो आई होप आपको शाफ्ट का बॉर्डर्स एंड सरफेसेस समझ आए होंगे। इट हैज थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री सरफेसेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर लास्ट फीचर ऑफ अल्ला, इट्स लोअर एंड। सो लोअर एंड फॉर्म अल्ला हेड ऑफ द अल्ला एंड द स्टेलॉइड प्रोसेस। सो ये जो पार्ट होता है वो हमारा स्टेलॉइड प्रोसेस होती है, एंड दिस इज ये हमारा होता है हेड ऑफ द अल्ला। एंड ये जो हेड ऑफ अल्ला होता है ये आर्टिकुलेट होता है अल्लर नॉस्टिल, जो हमारी रेडियस बोन पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ये जो अल्लर हेड ऑफ द अल्ला है आर्टिकुलेट होता है अल्लर नॉस्टिल, जो फॉर्म करता है इंफीरियर रेडियो अल्लर जॉइंट। जस्ट हमने ऊपर इसके देखा था इसके अपोजिट कि यहाँ पे जो नॉच प्रेजेंट थी उसे हम बोल लेते हैं रेडियल नॉच। जो रेडियल नॉच थी वो हेड ऑफ द रेडियस बोन से आर्टिकुलेट हुए थे, वो सुपीरियर रेडियो अल्लर जॉइंट फॉर्म कर रही थी। यहाँ पे अपोजिट है, जो हेड ऑफ अल्ला है वो रेडियस बोन के अल्लर नॉच से आर्टिकुलेट हो रही है, तो वो इंफीरियर रेडियो अल्लर जॉइंट फॉर्म कर रही है। तो जो इन्फीरियर रेडियो अल्लर जॉइंट होता है यहाँ पे आर्टिकुलेट हो जाता है, इसके बाद इसका कोई भी आर्टिकुलेशन रिस्ट जॉइंट से नहीं होता है। एंड देन ये हमारा है स्टेलॉइड प्रोसेस। जो स्टेलॉइड प्रोसेस होती है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड होती है एंड लिटरली होती है। तो ये डाउनवर्ड होती है और इसके पोस्टियर सर्फेसिस पर आप देख सकते हैं ये हमारी स्टेलॉइड प्रोसेस है। ये हमारा हो गया हेड अल्ला का, एंड जो सॉलिड प्रोसेस है ये पोस्टियर लेटरली हो गई। पोस्टियर लेटरली होने की वजह से यहाँ के जो हेड ऑफ अल्ला एंड सॉलिड प्रोसेस के बीच में कुछ ग्रुप प्रेजेंट होती है,
कंसल्टेंट के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो लोअर एंड को फॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको ये फीचर्स समझ आए होंगे, जिसमें हमने फर्स्ट अपर एंड का वाइन डिस्कस किया था, नेक्स्ट हमने साफ इसके बॉर्डर सरफेस डिस्कस किया, एंड देन उसके बाद हमने लोअर एंड को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो अटैचमेंट के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी मसल्स जो होती हैं, वो मसल्स का ऑर्जन हो रहा है, अलग उन पर कौन सी मसल्स है जिनका इंसर्शन हो रहा है। जो ब्रैकियलिस मसल्स थी उसका ऑरिजिन हमने देखा था ह्यूमरस बोन में। ह्यूमरस बोन में साफ पे लोअर हाफ पार्ट पे जो मीडियल एंटीरो मीडियल सर्फेसिस पे भी थी और एंटीरो लेटर सर्फेसिस पे भी थी। जो ब्रैकियलिस मसल्स होती है सबसे लार्ज मसल्स होती है हमारी ह्यूमरस में, तो ये जो मसल्स का इंसर्शन हमें देखने को मिलता है अलर ट्यूब्रोसिटी के पास, तो ये है हमारी ब्रैकियलिस मसल्स। एंड अब नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टियर सर्फेस पे टू टाइप्स के मसल्स है जो इंसर्शन हो रहा है। फर्स्ट इज हमारी जस्ट अबव टू द पोस्टियर सरफेस ऑफ द ओलिकॉइड फोसेस। तो जो ओलिकॉइड फोसेस पे जो मसल्स है ये सुपीरियर सरफेसेस पे मसल्स का इंसर्शन हो रहा है, ये हमारी है ट्राइसेप्स मसल्स। जो ट्राइसेप्स मसल्स थी इसके थ्री हेड होते हैं, जो कि हमने देखा था जो लॉन्ग हेड था वो स्कैपुला बोन में ऑरिजिन हो रहा था इंफ्राग्लोरल ट्यूबरकल पे, एंड लॉन्ग एक होता है लेटर हेड एंड एक होता है मीडियल हेड। जो लेटर हेड और मीडियल हेड था वो हमने ह्यूमरस बोन में देखा था, लेटर हेड था वो ऑब्लिक रिस्ट पे ऑरिजिन हो रहा था, एंड जो मीडियल हेड था वो हमने पोस्टियर सरफेस पे ह्यूमरस बोन में देखा था जस्ट बिलो टू द रेडियल ग्रूव। तो ये थ्री हेड होते हैं ट्राइसेप्स ब्रैकियल मसल्स के, जिनका इंसर्शन हमें देखने को मिलता है ओलिकॉइड फोसेस की रफ सर्फेसिस पे पोस्टियरली। एंड देन ये जो हमारी मसल्स है ये है एंकोनियस। एंकोनियस मसल्स जो हमने ऑरिजन देखा था वो ह्यूमरस बोन में लेटरल एपिकॉन्डाइल पे देखा था, तो उस मसल्स का इंसर्शन हो रहा है जस्ट लेटरली टू द ओलिकॉइड फोसेस। तो ये ओवरऑल था अटैचमेंट जो मसल्स की, जो कौन कौन सी मसल्स जो इंसर्शन हो रहा है अल्ला पे। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट फॉर ऑरिजिन ऑफ द मसल्स इन अल्ला बोन। सो रेड कलर से जो है वो हमारी मसल्स का ऑरिजिन हो रहा है अल्ला बोन पे। सबसे ज़्यादा लार्ज जो आपको दिख रहा होगा ये जो मसल्स होती है फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस मसल्स होती है, ये सबसे लार्ज होती है अल्ला बोन पे। एंड हमने जो देखा था रेडियस बोन पे फ्लेक्सर पॉलिसस लॉन्गेस्ट मसल्स थी वो सबसे लार्ज मसल्स थी। तो जो फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस मसल्स होती है इसका जो ऑरिजिन है हमारे आप देख सकते हो एंटर सर्फेसिस एंड मीडियल सर्फेसिस दोनों पे ही इसका ऑरिजिन हो रहा है। एंड इसका जो ऑरिजिन होता है कोरोनॉइड फोसेस और ओलिकॉइड फोसेस की जो एंटर सर्फेस होती है वहाँ पे भी देखने को मिलता है, पर इस डायग्राम में हम आपको शो नहीं करा सकते, दिखा नहीं सकते हैं। एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस मसल्स ये हमारी पोस्टियरली भी प्रेजेंट होती है, तो पोस्टियरली ये मसल्स होती हैं एंड एंटरली सर्फेसिस पे भी मीडियल सर्फेसिस भी पोस्टियर सर्फेसिस पे भी हाफ पोस्टियर सर्फेस प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे ये एनास्टमोसिस फॉर्म करती है फ्लेक्सर कार्पाई अलाइस का एंड एक्सटेंसर कार्पाई अलाइस का। तो यहाँ पे ये पोस्टियरली थ्री मसल्स प्रेजेंट होती है फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस फ्लेक्सर कार्पाई अलाइस एंड एक्सटेंसर कार्पाई अलाइस। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ये हमारी जो रेडियल नॉज के पास जो ये सुपिनेटर क्रस्ट प्रेजेंट होता है अल्ला बोन में, तो यहाँ पे जो मसल्स का ऑरिजन हो रहा है वो सुपिनेटर मसल्स होती है। तो जो सुपिनेटर मसल्स थे हमने इसका रेडियस बोन में इंसर्शन पढ़ा था लेटरल सर्फेस पर, तो इस साइड जो हमारी जो इसके जस्ट इधर की जो लेटर सरफेस होती है यहाँ पे हमारी रेडियस बोन होती है, तो रेडियस बोन की जो लेटर सरफेस होती है वहाँ पे सुपिनेटर मसल्स का इंसर्शन होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं ये हमारी कोरोनॉइड फोसेस है, कोरोनॉइड फोसेस के जस्ट ये हमारी मीडियल सरफेसेस हो गई। मीडियल सरफेसेस पे जो ये मसल्स का ऑरिजिन हो रहा है ये हमारी मसल्स होती है फ्लेक्स
डिस्टोरियम सुपरफिशियलिस, जो फ्लाइवर डिटोरियम सुपरफिशियलिस मसल से ये इसका अलर हेड है। एंड हमें एक रेगेस बोन में भी फ्लाइवर डिटोरियम सुपरफिशियलिस मसल्स का ऑर्जन देखा था। तो टू हेड होते हैं, एक अलर हेड होता है, एक रेडियल हेड होता है। तो ये हमारी फ्लाइवर डिटोरियम सुपरफिशियलिस का अलर हेड है। एंड जस्ट बिलो ये जो मसल्स है कॉर्नोइड पॉसेस की मीडियल सरफेसिस पर, तो ये जो मसल्स है इसे हम बोलते हैं प्रोनेटेड टेरिस। जो प्रोनेटेड टेरिस है ये भी अलर मतलब अलर हेड या अलर मार्जन होता है प्रोनेटेड टेरिस मसल्स का। इसका जो एक और हेड होता है वो हमने ह्यूमरस बोन में देखा था, जो हमारी सुप्राकॉन्डाइलर रिस्ट थी वहाँ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिस्ट पे हमने इसका ऑर्जन देखा था प्रोनेटेड टेरिस का। एंड नेक्स्ट जो हमारा अलर मार्जन हमें देखने को मिलता है कॉर्नोइड पॉसेस के मीडियल सरफेसेस पर। तो ये हमारे जो मसल्स हैं एंटर सरफेस के हो गए। नेक्स्ट ये हम देखते हैं ये मसल्स होती है हमारी प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स होती है। जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स होती है ये ऑब्लिक फॉर्म होती है, और इसका हमने जो ये हमारी लोअर साफ पे एंटर सरफेस में होती है। इसका जो इंसर्शन हमने जस्ट देखा था रेडियस बोन के पास, तो ट्रायंगुलर शेप में इसका इंसर्शन होता है मीडियल लेटर सरफेस पर। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टियर सरफेसेस पे कौन कौन सी मसल्स का ऑर्जन हो रहा है। तो ये जो हमारी मसल्स है इसे हम बोलते हैं एबडक्टर पॉलिसस लॉन्गस। एबडक्टर पॉलिसस लॉन्गस का ऑर्जन हमने रेडियस बोन में के मीडियल सरफेसेस पे देखा था, और ये भी हमारे अल्ला बोन की मीडियल बॉर्डर है। तो यहाँ पे हमने एबडक्टर पॉलिसस लॉन्गस का यहाँ पे भी ऑर्जन देखता है, और हम रेडियस बोन के मिडल बॉर्डर पे भी इसका ऑर्जन देखता है। ये जो मसल्स होती है ये हमारी एक्सटेंसर पॉलिसस लॉन्गस होती है, एंड ये जो हमारी मसल्स है वो एक्सटेंसर इंडिकस मसल्स होती है। तो ये मसल्स का ऑर्जन हमें देखने को मिलता है आला बोन पर। आई होप आपको यहाँ समझ आया होगा ये हमारी एंटर सरफेस थी पोस्टियर सरफेस थी। तो एंटर सरफेस में हमने मसल्स का ऑर्जन देखा फ्लेक्सर डिटोरियम प्रोफाइंडस देखा, पोस्टियर पे प्रोफाइंडस का, फ्लेक्सर कार्पा अलाइस, एक्सटेंसर कार्पा अलाइस, एंड ये हमारे सुपिनेटर मसल्स है सुपिनेटर फास्ट का ऑर्जन होता है। ये हमारे फ्लेक्सर डिटोरियम सुपरफिशियलिस, प्रोनेटर टेरिस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स। ये हमारे एबडक्टर पॉलिसस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिकस है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच कीप सपोर्टिंग मी। कोई भी क्वेरी होती है आपकी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।